आपका प्रोफेशनल एनहांसमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ज्ञान से सेवा की ओर इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा आयोजित ज्ञान सुधा कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा कार्यक्रम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करता है, उन्हें मोटिवेशन देता है और उनकी क्षमताओं में विकास करता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सफलता के सूत्र के रूप में ऑनलाइन लाइव सेशंस आयोजित किए जाते हैं, जिनका लाइव प्रसारण प्रत्येक सप्ताह के दो दिवस वेडनेसडे और सैटरडे यानी कि बुधवार और शनिवार को किया जाता है। आज ज्ञान सुधा कार्यक्रम का 9वां दिन है, 14 जुलाई 2021 और अभी समय है दूसरे सत्र का। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज के दूसरे सत्र में और आज का हमारा विषय है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान की समझ, अंडरस्टैंडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हम सभी के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे साथ मार्गदर्शक हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित है पूर्व आईएएस श्रीमान प्रदीप कुमार जी बोरर साहब। आप अपनी सेवा काल के दौरान आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग, आयुक्त राज्य स्कूल शिक्षा परिषद और कलेक्टर झुंझुनू रह चुके हैं। इसके साथ ही आपने कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। मैं डॉक्टर वैशाली देवपुरा, सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग, इस सत्र की मॉडरेटर, आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ मुख्य वक्ता और दर्शकों के मध्य संवाद स्थापित करने के लिए। हम सभी जानते हैं कि संविधान किसी भी देश की आत्मा है, किसी भी देश का सर्वोच्च विधान है जिसके अनुरूप उस देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। हम प्रारंभ से ही देखते हैं कि जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती आई है उनमें भारत के संविधान से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आज जो दर्शक अभी हमको सुन रहे हैं वे सर आपका मार्गदर्शन चाहते हैं इस बारे में कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भारत के संविधान का क्या महत्व है। नमस्ते। सबसे पहले तो मैं कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना एक यूनिक कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। ये कार्यक्रम जब शुरुआत हुई थी तो मुझे ध्यान है कि कमिश्नर साहब संदेश नायक साहब और विनोद भारद्वाज साहब से भी मेरी बात हुई थी कि मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अपनी समझ को बेटर बनाया, मैंने एक बुक भी मैं लिख पाया और झुंझुनू कलेक्टर रहते हुए झुंझुनू में कलेक्ट्री क्लास के नाम से हमने एक क्लास स्टार्ट की और उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पढ़ाया। इसी तरह से एज कमिश्नर कमिश्नरी क्लास में भी मुझे मौका मिला। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हालांकि लॉ का सब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से टेक्निकल है इस सेंस में, लेकिन उसके बावजूद भी इस पे तैयारी की जा सकती है क्योंकि ये हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा क्योंकि मैं पिछले करीब करीब 15 साल से पटवारी से लेके आईएएस तक के एग्जाम के हर पेपर को देखता हूँ, मेरा एक मेरी हॉबी है। तो उस हिसाब से तो नेचुरल है, उससे भी एक समझ बेटर हो जाती है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह से पढ़ना चाहिए या कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो मैं इस बात को कह सकता हूँ कि लगभग हर पेपर में, खासतौर से जो आईएएस और आरएएस के पेपर हैं और इसी तरह से जो मान लीजिए सब इंस्पेक्टर का पेपर है, तो उसमें 15% से लेकर 20% प्रश्न जो है वो हमेशा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी से रिलेटेड आते ही आते हैं। तो उस सेंस में अगर मैं देख कहूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से सब्जेक्ट है कि जिसमें अगर हम अगर एक समझ बना ले तो हम इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरह से हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट है। हम रोजाना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखते हैं न्यूज़पेपर में, अगर हम देखें या अगर हम न्यूज़ को मान लीजिए सुने देखें तो हम देखेंगे जरूर कुछ ना कुछ रोजाना कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं, चाहे वो मान लीजिए हमारे राज्य में हो चाहे हमारे देश में हो, तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना जरूर होती है जिससे हम कोरिलेट कर सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी न किसी पार्ट पे या कोई ना कोई घटना घटती है। अगर हम थोड़ा सा जागरूक रहें
और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति की समझ को रखें तो हम बहुत ही बेहतर तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं और ऐसा समझ सकते हैं कि जो फिर हम अगर मैं यूं कहूं कि भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उसको उस क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत आसान रहता है। तो जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दूँ कि जैसे मान लीजिए अभी यूपी में पंचायत इलेक्शन हुए हैं, राजस्थान में तो पंचायत इलेक्शन और म्यूनसिपल इलेक्शन काफी समय पहले हो चुके हैं लेकिन यूपी में अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हुए हैं। तो उसको अगर हम ध्यान में रखें और अगर हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर देखें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो पार्ट 9 है या 9A है उसके क्या प्रोविजन है, किस तरह से चुनाव होते हैं, किस तरह से सब चीजें रहती है, तो हम उस पार्ट को रिविजन कर सकते हैं। इसी तरह से अभी बीच में खबर आई थी कि सब जो जम्मू एंड कश्मीर है उसका परिसीमन हो रहा है, वहाँ जम्मू एंड कश्मीर सभी जानते हैं कि एक स्टेट था, बाद में उसको दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया। तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है जिसमें कि कोई नए राज्य कैसे बनता है या यूनियन टेरिटरी कैसे बनते हैं उस पार्ट को हम दे सकते हैं, आर्टिकल 370 के बारे में जान सकते हैं। और इसी तरह से जब परिसीमन की बात आती है तो हम भाग जो 6 का जो रिलेवेंट पार्ट है जिसमें विधानसभाओं के बारे में, या तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों को, या चुनाव का जो पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 15 है तो उसके बारे में हम बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं जस्ट ये बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम थोड़ा सा जागरूक रहें और रोजाना अगर हम ये देखें कि आज क्या ऐसी खबर आई है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को कहने के रिलेवेंट कर रही है, और अगर हम उसको उसी वक्त देख लें तो वो सब चीज़ें बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाती है और हम बहुत अच्छी तरह से उसको एक तरह से उसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। तो मैं ये बात इस तरह से कहना चाहूँगा। दूसरी बात, जैसे मैंने मेरा खुद का एग्जाम्पल दिया कि कॉमर्स ग्रेजुएट होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति एक समझ बन पाई, क्योंकि मैंने ये पाया कि अगर हम किसी सब्जेक्ट को एक अलग तरह से देखें, किसी आसान तरीके से देखें कि हम इसको किस तरह से याद कर सकते हैं या कैसे इसके प्रति हम समझ बना सकते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होता। क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे देखे हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत आसान से और सामान्य से प्रश्न भी सही नहीं कर पाते क्योंकि उनके जो कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो वैसी नहीं बना पाते, तो कई बार ये भी कमी रहती है। तो मैं इसके प्रति भी कहना चाहूँगा कि एक समझ बनाएं और हम कोशिश करें कि एक जैसे आज जो रिलेवेंट अपना सब्जेक्ट है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है तो हम इस पे ही बात करना चाहेंगे। तो वैशाली जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि मैं कंटिन्यू करूं या आप कोई फिर प्रश्न कोई पूछना चाहेंगे? नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए और कुछ, लेकिन जो दर्शकों की बात हमारे सामने आ रही है, मैं सर पहले तो स्ट्रांगली एग्री करती हूँ इस बात को कि न्यूज़पेपर जरूर हमारे जो युवा साथी हैं उनको डे टू डे लाइफ में वो तभी जागरूक रह सकते हैं। और दूसरी बात सर मैं कहना चाहती हूँ और सभी दर्शकों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, हम सभी जानते हैं भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा संविधान, कई सारे शेड्यूल है हमारे संविधान में, कई सारे पार्ट है और बहुत सारे आर्टिकल्स है। तो हमारे युवा साथी कई बार ये समस्या महसूस करते हैं, उन्हें बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि कैसे हम इतने सारे आर्टिकल्स को पार्ट्स को हम याद कर सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ और हमारे दर्शक आपसे सुनना चाहते हैं कि क्या कोई आसान तरीका या कोई ट्रिक इनको याद करने की आप सजेस्ट करेंगे? देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने की कोशिश की है और उसमें सबसे आसान तरीका तो यही है, क्योंकि जैसा कि आपने अभी कहा कि हमारे देश का सर्वोच्च विधान है, ये एक तरह से लॉ है जिससे सारे कानून इससे निकलते हैं या इसके साथ मिलते हुए होने चाहिए, इसके अगेंस्ट कोई कानून नहीं होना चाहिए, तो सर्वोच्च विधि हमारे देश की। अगर इसको समझना हो तो वैसे अगर हम बात करें तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, तो इसको आसान समझने के लिए जैसे मैं आपको जैसे एग्जांपल से शुरुआत करूंगा कि इसको हम बहुत ही आसान मान के चलें और हम एक बार हमारी देश को प्रदेश को सब चीजों भूल जाएं और हम हमारे घर पे चले। आप ये मान के चलिए, जैसे मैं अभी जो हमारे साथ अभी जो साथी जुड़े हुए हैं उन्हीं से मैं बात करना चाहूंगा और एक प्रैक्टिस कराना चाहूंगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आप सभी लोग कैसे याद कर सकते हैं। अभी इसके जैसे 22 पार्ट हैं, 395 इसके आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल हैं, तो ये अभी जैसे अभी अपने लेक्चर खत्म करेंगे तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको सभी ये याद हो जाएगा कि आपको 22 के 22 भाग याद हो जाएंगे। 395 आर्टिकल्स में तो बहुत सारे मोर देन 100 आर्टिकल्स याद हो जाएंगे और 12 के 12 शेड्यूल आपको याद हो जाएंगे, तो इतनी आसान है। तो आसान किस तरह से है देखिए मैं बताता हूँ। हम मान के चलते कि हमारा घर है, हमारा घर भी
है जो जिसमें कोई कानून कायदे होते हैं, घर है, घर में कुछ लोग मेंबर्स होते हैं, उनके आपस में रिलेशनशिप होती है, घर में एक डिसिप्लिन होता है, तो ये सब चीजें हैं। तो इसलिए मैं ये आप लोगों को एक सिचुएशन इमेजिन करने के लिए कह रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए कि हमारा घर है। तो पहली बात मैंने बोली कि हमारा घर है, मतलब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो जुड़े हुए हैं वो मेरे इस बात को साथ साथ में रिपीट एक बार करें कि हमारा घर है, हमारा घर है। इस घर में कुछ लोग रहते हैं, नेचुरल है घर में लोग रहते ही हैं, तो दो बात होगी, घर है, दूसरा कि उसमें कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जो लोग रहते हैं उनके कुछ राइट हैं, मतलब घर में कोई भी मेंबर है, मान लीजिए हमारे दादाजी हैं, फादर हैं, या हम खुद भी हैं, या बच्चे भी हैं, तो सबके कोई ना कोई राइट है। तो एक तरह से घर हुआ, घर में कुछ लोग रहते हैं, और तीसरा हुआ घर में जो लोग रहते हैं उनके कुछ राइट हुए, तो तीन बात होगी। चौथी बात ये होगी कि जब चूंकि घर में लोग रहते हैं और आप देखते हैं परिवार होता है, तो परिवार में डेवलपमेंट सब चाहते हैं कि परिवार के लोगों का विकास होना चाहिए, तो चार बात होगी। देखिए अब आप घर है, घर में कुछ लोग रहते हैं, उन लोगों के कुछ राइट्स हैं और उनका डेवलपमेंट सब चाहते हैं। नेचुरली जब राइट हैं तो कुछ उनकी ड्यूटीज भी हैं, तो पांच चीज हो गई। एक तरह से आप देखिए घर है, घर में कुछ लोग रहते हैं, उनके कुछ राइट्स हैं और उनका डेवलपमेंट चाहते हैं और उनकी कुछ ड्यूटीज हैं, तो ये पांच बात हो गई। अब आप देखिए हम एक जस्ट इमेजिन करते हैं घर में लोग कितने रहते हैं, तो घर में लोग रहते हैं तो मैं जस्ट एक एवरेज लेता हूँ इंडियन जॉइंट फैमिली के हिसाब से, एक मैं जस्ट इमेजिनरी एक फिगर बताता हूँ कि घर में नौ लोग रहते हैं, ठीक है। तो एक तरह से मैं इस बात को यहाँ तक रिपीट करता हूँ कि घर है, घर में कुछ लोग रहते हैं, उनके राइट्स हैं, उनका डेवलपमेंट सभी चाहते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज हैं और घर में नौ लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नौ पर्सन घर में रहते हैं उनके आपस में कुछ रिलेशन है, कोई दादा पोता बेटा चाचा ताऊ, इस टाइप के कुछ रिलेशन है, मान लीजिए ये आप सभी जानते हैं, इस बात को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनके आपस में रिलेशन है। अब क्योंकि घर में इतना बड़ा घर है तो कुछ सर्वेंट चाहिए काम करने के लिए, नौकर चाहिए, तो नौकर दो तरह के हैं, मतलब ये जो घर है उसमें दो तरह के नौकर हैं, एक परमानेंट नौकर है और एक टेम्परेरी नौकर है। तो मैं इस यहाँ तक की बात को एक और वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखिए आप घर है, घर में कुछ लोग रहते हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, उनके डेवलपमेंट चाहते हैं और उनकी कुछ ड्यूटीज हैं, और घर में नौ लोग रहते हैं, उनके आपस में रिलेशन है, और घर में काम करने के लिए नौकर चाहिए। नौकर दो तरह के हैं, एक परमानेंट नौकर है, पहले परमानेंट फिर टेम्परेरी नौकर है, ठीक है। उसके बाद चूंकि हमारा देश का जो ढांचा है उसमें रिजर्वेशन है, सर्वेंट में रिजर्वेशन है, तो हम एक यहाँ एक प्रोविजन डाल के रखते हैं कि रिजर्वेशन है। अब चूंकि मान लीजिए घर में नौ मेंबर हैं, इतने सर्वेंट भी हो गए, उनका रिजर्वेशन है, तो कई तरह के हो गए ना, तो उनको आपस में संवाद करने के लिए एक भाषा चाहिए, मतलब लैंग्वेज का प्रोविजन भी, आपस में किस भाषा में बात करेंगे। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए घर में हम लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, हमारे सर्वेंट हैं, हम उनसे मान लीजिए दूसरी लैंग्वेज में बात करते हैं, तो भाषा चाहिए, ये बात होगी। अब चूंकि इतना बड़ा घर है, सर्वेंट है, सब चीजें हैं, तो घर में डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो डिसिप्लिन है। तो मैं यहां तक एक बार इस बात को वापस रिपीट करता हूं जो मैंने बोली है, घर है, घर में कुछ लोग रहते हैं, उनके कुछ राइट्स हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज हैं, और नौ लोग घर में रहते हैं, उनके आपस में रिलेशन है, और घर में काम करने के लिए कुछ सर्वेंट चाहिए दो तरह के, कौन कौन से, टेम्परेरी और परमानेंट सर्वेंट चाहिए, उनमें सर्वेंट्स में रिजर्वेशन है, और संवाद करने के लिए सब लोगों के बीच में भाषा चाहिए, और पूरे घर में एक सिस्टम बनाए रखने के लिए डिसिप्लिन चाहिए। तो ये अगर मैं इस बात को मैं यहाँ बोलूँ इस बात को कि मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 18 पार्ट्स के बारे में बात कर ली, तो मुश्किल थोड़ी लग रहा है आपको कि भाई मुश्किल लगेगी मैंने 18 पार्ट्स याद कर लिए, तो ये मतलब एक तरह से 18 पार्ट हो गए। उसके बाद कुछ मिसलेनियस बातें हैं जो कई बार मान लीजिए घर में आप बात करें कि वो फिक्स नहीं होती, मिसलेनियस रहता है। उसके बाद कई बार अपन कह सकते हैं घर में कई बार कानून कायदे बदले जा सकते हैं, मान लीजिए कोई बात घर में परंपरा चल रही है, तो अपने देखो वो कई बार परंपरा चेंज हो जाती है, कोई कानून बदल जाता है, तो अपन फिर बात करते हैं कि नियमों में संशोधन की बात कर ले। तो ये आर्टिकल भाग 20 हो गया हमारा संशोधन, जो मैंने अभी बात की, घर में भी कानून कायदे कई बार बदल जाते हैं, कई बार कोई डिसीजन दादाजी को लेना तो उसकी बजाय मान लीजिए फादर ले लेते हैं, कोई डिसीजन फादर को लेना होता है उसकी बजाय मान लीजिए मदर ने ले लिया, चाचा जी ने ले लिया, तो वो एक संशोधन की बात हो गई। और फिर
है कि जैसे मान लीजिए घर में कभी कोई मान लीजिए गेस्ट आ गया या कुछ और चीज आ गई, तो कुछ हमें टेम्परेरी व्यवस्थाएं रहती हैं टेम्परेरी, और लास्ट में ये कि जो हमारा घर है उस घर का कोई नाम है, घर का क्या नाम रखेंगे। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स मैंने सारे सारे बता दिए। अगर मैं पूछूं आप ये स्टोरी मुझे वापस नरेट करें, तो मैं समझता हूं कि आप इसमें से मोस्टली आप मुझे इसी सीक्वेंस में नरेट कर सकते हैं। आई समझ में? अगर मैं मान लीजिए आपसे पूछूं तो पहला क्या हुआ, यू कैन मतलब आप लोग बोल सकते हैं, जो जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो बोल सकते हैं, क्योंकि ये कोई मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, तो मेरा को नहीं है, मतलब जो भी साथी लोग जुड़े हुए हैं, तो पहला क्या है, घर है, लोग हैं, थर्ड लोग, उनके कुछ राइट्स हैं, उनके उनके राइट्स हैं और डेवलपमेंट चाहते हैं, डेवलपमेंट, तो जब राइट्स हैं तो कुछ ड्यूटीज भी हैं, तो पांच हो गए, और फिर घर में 9 लोग रहते हैं, उनके आपस में रिलेशन है। तो अब देखिए मैं बताऊं, ये 22 पार्ट्स के बारे में बात की, तो फर्स्ट जो मैंने बोला कि घर है, घर का मतलब हमारा हमारी कंट्री है, तो कंट्री है उस कंट्री में कुछ स्टेट्स हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, जैसे मान लीजिए घर में कुछ रूम्स हैं, मान लीजिए किचन है हमारा, तो ये जैसे अलग अलग हिस्से, उसी तरह से हमारे हमारी कंट्री के भी कुछ हिस्से हैं। तो पार्ट फर्स्ट डील्स विद हमारी टेरिटरी है, जो जिसमें स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है। तो पार्ट वन घर हो गया, सेकेंड की उसमें कुछ लोग रहते हैं, तो इसका मतलब सिटीजन्स हो गए, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड पार्ट सिटीजनशिप से रिलेशन रखता है, तो ये पार्ट दो हो गए। थर्ड है कि उनके राइट्स हैं, तो राइट्स का मतलब फंडामेंटल राइट्स हो गए, जो पार्ट तीन है। फोर्थ जैसे मैंने बात की डेवलपमेंट की, तो इसका मतलब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं डीपीएसपी, वो पार्ट फोर की बात की मैंने। और फिर मैंने कहा कि जो ड्यूटीज है, तो वो 4A हो गया, तो 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने भाग चार पे बात कर ली। फर्स्ट क्या होगा, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सेकंड सिटीजनशिप, थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, फिर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल, और फिर फिफ्थ हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। और फिर मैंने कहा कि घर में 9 मेंबर रहते हैं, तो 9 मेंबर कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। आपने देखा होगा, अगर मैं बात करूं कि घर में सबसे बड़ा मेंबर कौन है, दादाजी, या मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट, तो भाग जो पार्ट पांच है वो यूनियन गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद फिर स्टेट आए, तो भाग छह क्या हो गया, स्टेट्स हो गया। और सेवन जो पार्ट है, सेवन पार्ट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डिलीटेड पार्ट है, तो इसको इस तरह से याद किया जा सकता है कि आपने देखा होगा कई घरों में क्या होता है कि किसी मान लो पूर्वज की डेथ हो जाती है, लेकिन वो पितृ के रूप में रहता है। मतलब हम ये मान के चलते कि हमारे घर का कोई मेंबर हमारे परिवार, एक तरह से हमारे परिवार का कोई एक छोटा देवता बन गया, तो ये डिलीटेड पार्ट है। एक तरह से पार्ट जो सेवन है वो डिलीटेड पार्ट है। वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उस वक्त चार तरह के स्टेट हुआ करते थे, ए बी सी एंड डी। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना 1956 में, जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए थे, तो पार्ट बी के जो स्टेट्स थे वो एक तरह से खत्म कर दिए थे, तो पार्ट सेवन उसे डील करता था। तो अभी वर्तमान में पार्ट सेवन नहीं है। उसके बाद है फिर यूनियन टेरिटरीज, जो पार्ट एट डील करता है। मैं घर के मेंबर्स की बात करूं, तो मेंबर्स का मतलब ये कि जो एक तरह से अथॉरिटीज हैं, जैसे दादाजी अथॉरिटी हैं, हमारे फादर अथॉरिटी हैं, चाचा जी हैं, मदर हैं, हम खुद हैं, तो इस तरह से जो 9 मेंबर हैं उनको मैं गिनाने की कोशिश करूं, तो सबसे पहला मेंबर क्या हुआ, यूनियन टेरिटरी। तो सबसे यूनियन टेरिटरी के यूनियन मतलब संघ सरकार सबसे बड़ी होगी, सेकंड स्टेट्स हो गए, थर्ड जो डिलीटेड पार्ट है जो अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, एक तरह से पार्ट सेवन जो है, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज, और उसके बाद जो भाग 9 है, 9 में पंचायतें हैं, जो 73rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, उसके बाद 74th अमेंडमेंट से नगर पालिकाएं आ गई, और 97th अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज को जोड़ा गया। तो जो 9 है उसमें 3 हो गए, एक तो पंचायतें, दूसरा म्यूनिसिपैलिटीज नगर पालिकाएं, और थर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अगर घर के मेंबर्स की अगर अपन बात करें, तो फर्स्ट कौन सा हुआ, यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट, थर्ड जो डिलीटेड बताया मैंने, फोर्थ यूनियन टेरिटरी, फिफ्थ हो गया पंचायतें, सिक्स्थ हो गई नगर पालिकाएं, सेवन्थ हो गई कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो घर के 7 मेंबर्स की मैंने बात कर ली, अब 2 मेंबर बचे। तो 2 मेंबर में क्या, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 10 है उसके 2 हिस्से किए हुए हैं, तो वो है शेड्यूल 5 के स्टेट और शेड्यूल 6 के शेड्यूल। तो शेड्यूल 5 के स्टेट वो हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कंट्री बहुत बड़ा है, अब राजस्थान की बात करें, राजस्थान भी बहुत बड़ा है, तो राजस्थान का काफी सारा पार्ट ऐसा है जहाँ आदिवासी भी रहते हैं, जैसे मान लीजिए उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, ऐसे बहुत सारे एरिया जहाँ आदिवासी रहते हैं, और वो डेवलपमेंट की अगर मैं यूं कहूँ कि जो हमारी प्रोग्रेस है
या जो एक तरह से जो स्थिति है उसके साथ साथ नहीं है। तो ऐसे राज्यों के लिए पार्ट 5 हैं, ऐसे 10 राज्य हैं अब, तो उनके जो ऐसे पार्ट हैं उसको राष्ट्रपति शेड्यूल्ड एरिया घोषित कर सकता है। तो उन शेड्यूल्ड एरिया के लिए कैसे शासन चलेगा, तो वो राज्य हो गए शेड्यूल 5 के राज्य। और ऐसे जो शेड्यूल 6 हैं उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य हो गए। तो इस तरह से ये 9 मेंबर हो गए घर के, मतलब एक तरह से हमारे कंट्री में 9 तरह के शासन व्यवस्थाएं छोटी मोटी मान लीजिए। पहली यूनियन गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट हो गई, थर्ड जैसे मैंने बताया डिलीटेड है जो पार्ट बी के राज्य थे, फोर्थ है यूनियन टेरिटरीज जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर वगैरह जो भी मान लीजिए 8 यूनियन टेरिटरीज उनके बारे में बात होगी, तो 4 हो गए। पांचवा क्या हुआ, पंचायतें। छठा नगर पालिका। सातवां कोऑपरेटिव सोसाइटी। आठवां शेड्यूल 5 के राज्य हैं, तो 10 है। और नवा क्या हुआ, ऐसे राज्य जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो ये 9 मेंबर्स की मैंने बात कर ली। तो और मैंने एक तरह से यहाँ भाग 10 खत्म कर दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 है वो यहाँ खत्म हो गए। उसके बाद मैंने बताया कि इनके आपस में रिलेशनशिप है, और रिलेशनशिप कितनी तरह की, 3 तरह की हैं। सबसे पहले लेजिस्लेटिव की, कौन कानून बनाएगा। जैसे मान लीजिए घर में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो कौन लेगा, दादाजी लेंगे, कुछ डिसीजन फादर लेते हैं, कुछ मदर लेती है, कुछ हम खुद भी डिसीजन लेते हैं, कुछ हमारे बच्चे भी डिसीजन लेते हैं। तो सबके अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर है। तो इसी तरह से जो आपस में संबंध है वो 3 तरह के संबंध है। पहले विधायी संबंध लेजिस्लेटिव, सेकेंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशनशिप। तो ये भाग 11, 12 और 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो डील करते हैं। तो ये हो गया। अब फिर मैंने जैसे कहा ना कि 2 नौकर चाहिए इतने बड़े घर में काम करने के लिए, तो नौकर 2 तरह के। तो पहले नौकर कौन से, परमानेंट। परमानेंट नौकर जैसे हम लोग हैं, जैसे यूपीएससी, आरपीएससी है जो सरकारी नौकर हैं, तो वो नौकर हो गए। मतलब यूपीएससी और आरपीएससी की प्रोविजन किसमें, भाग 14 में, 14 में। और उसके बाद 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया 14A, जिसमें ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात की गई है। और उसके बाद आता है टेम्परेरी जो नौकर हैं। टेम्परेरी नौकर किन को बोलेंगे, जो मान लीजिए निर्वाचन के हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि 5 साल में आते हैं, वो एक तरह से टेम्परेरी नौकर हो गए, उनको भी जनप्रतिनिधि बोलते हैं, तो वो निर्वाचन हो गया। तो ये भाग कितने हो गए, 15 हो गए। 16 मैंने बात की रिजर्वेशन की, इनका एक इनमें रिजर्वेशन है, तो भाग 16 हो गए ये। 17 में बात की थी कि आपस में संवाद के लिए भाषा चाहिए, तो पार्ट 17 डील्स विद लैंग्वेज, जो शेड्यूल 8 है उसमें 22 भाषाएं हैं, 17 हो गए। और 18 में मैंने कहा भाई इतना बड़ा घर है, सर्वेंट है, सब चीजें, तो डिसिप्लिन चाहिए, तो उसमें फिर आपातकाल हो गया। पार्ट 18 डील्स विद इमरजेंसी। इमरजेंसी 3 तरह की सभी जानते हैं। फर्स्ट मान लीजिए पूरे देश में मान लो लगती है, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति है, बाहर आक्रमण हो गया, या मान लीजिए कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया, या फिर किसी स्टेट में मान लीजिए उस स्टेट का शासन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंगली नहीं चल रहा, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात आती है, तो ये पार्ट 18 हो गया। 19 में कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में है, जैसे आपने ध्यान होगा, जैसे पहले पृथ्वीपर्स था, राजप्रमुख हुआ करते थे, तो इस तरह कुछ प्रोविजंस है वो पार्ट 19 में थे। 20 में है कि कुछ कानून कायदे मान लीजिए बदलने हैं, अमेंडमेंट है, आर्टिकल जो 368 है वो अमेंडमेंट की बात करता है। और जो पार्ट 21 है, 21वां भाग है, उसमें जैसे मैंने बताया टेम्परेरी है, जैसे मान लीजिए घर में कोई सर्वे, कोई मान लीजिए गेस्ट आ गया, तो उसके लिए हम टेम्परेरी प्रोविजन करते हैं, मान लीजिए गेस्ट रूम में रखा दिया कुछ दिनों के लिए। तो इसी तरह से हमारे जो कुछ 11 स्टेट्स थे, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर भी एक था, जैसे आर्टिकल 70 भी है, तो उनके लिए कुछ टेम्परेरी प्रोविजन थे कि उनका डेवलपमेंट कैसे होगा या उनका शासन कैसे चलेगा, तो वो टेम्परेरी प्रोविजन की बात होगी। और भाग जो 22वां है, जो लास्ट पार्ट है, उसमें था कि नाम क्या होगा, भी हमारे घर का नाम क्या होगा। आपने देखा होगा किसी का मान लो विला है, किसी का कोई घर के अपने अपने नाम रखते हैं सब लोग, तो हमारा जो नाम है घर का, ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कब लागू हुआ, लागू होने की 2 डेट्स हैं, 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल उसी दिन लागू हुए थे, और बाकी जो आर्टिकल्स थे वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जब हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। और फिर एक इसका इंग्लिश वर्जन था, तो इसका हिंदी वर्जन भी करें। तो ये सब बातें भाग 22 में दी हुई है। तो ये एक तरह से मैंने ब्रीफली ये बताने की कोशिश की कि भाग 22 को हम इस तरह से याद कर सकते हैं, हमारे घर के साथ जोड़ के, हमारे घर के मेंबर्स को जोड़ के, उन मेंबर्स के आपस में रिलेशन को जोड़ के, एक कल्पना करके कि कुछ सर्वेंट भी हैं, लैंग्वेज भी है, डिसिप्लिन भी है। तो ये एक तरह से अगर हम बात करें हमारे घर को, तो हमें लगेगा कि जो कंट्री है वो नॉट मोर देन ए हाउस। तो इस तरह से करके हम याद कर सकते हैं। तो मैं जो एक्सरसाइज करवाई,
तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह से अगर हम किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को याद करने की कोशिश करें तो आसानी से याद हो जाती है। तो ये मैंने बताया। अभी फिर मैं थोड़ी देर में आपको 12 की 12 शेड्यूल के बारे में भी बताऊंगा। एक बार मैं अपनी बात को यहीं रोकता हूँ। सर, आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं, उन्हें जरूर याद हो गया होगा घर, लोग, डेवलपमेंट, राइट्स, ड्यूटीज। बहुत अच्छा सर, आपने बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग लगा सर आपको। और सर, अभी ज्ञानसुधा के मंच से जो युवा दर्शक आपको सुन रहे हैं, कुछ वो इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पैटर्न होते हैं, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो उनके सामने कोई समस्या नहीं होती क्योंकि विकल्प दिया हुआ होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पैटर्न की, तो युवा साथी है जानना चाहते हैं कि जब नियत शब्द सीमा दी गई होती है तो कैसे वो तटस्थ रहते हुए नियत शब्द सीमा में सटीक शब्दों में उत्तर लिखे। सर, आप कुछ जानकारी हमें प्रदान करें। बहुत आसान है, आसानी सेंस में मैं बोलना चाहूंगा कि जो लॉ जो है ना, लॉ विधि, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी लॉ है, लॉ की लैंग्वेज एक सेट लैंग्वेज होती है। मान लीजिए कोई वर्ड जो है, जैसे मान लीजिए हमें, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक वर्ड है, इसका एक अलग मीनिंग है। डेमोक्रेसी है, उसका एक अलग मीनिंग है। फंडामेंटल ड्यूटीज है, मान लीजिए उसका अलग मीनिंग है। फंडामेंटल राइट की अलग मीनिंग है। तो ऐसे हर एक वर्ड का अपना एक अलग अर्थ होता है और उसके डेफरेंस उस हिसाब से होते हैं। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में अगर अगर मैं कहूँ कि चॉइस सामने रहती है और उन चॉइस में जो हमें सही लगती है हम उसको टिक कर देते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कई बार जो हमारा बेयर एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे ये बेयर एक्ट की बुक मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, ये हर एक विद्यार्थी को अपने पास रखनी चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है, मैं किसी की पब्लिकेशन की बुक को एक तरह से प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए उसका बेयर एक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें जो लैंग्वेज दी गई है इसको हमें बार बार पढ़ना चाहिए और जब भी कभी मौका मिले तो उस रेफरेंस को देखना चाहिए कि ये क्या बोल, क्या कह रहे हैं, किस तरह से कह रहे हैं। तो मैं अगर इस बात को यूं कहूं कि आधे से ज्यादा प्रश्न तो इस बेयर एक्ट में से ही पूछे जाते हैं, इसकी लैंग्वेज में से ही पूछे जाते हैं, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहां से सॉल्व हो जाते हैं। और अगर बात करें कि जो डिटेल्ड क्वेश्चन है, मान लीजिए मेंस के एग्जाम में लिखने पड़ते हैं, तो उनको हम कैसे सॉल्व करें, तो उसमें भी इस लैंग्वेज का सहारा लेते हुए लिखे तो बहुत ही शॉर्ट में बात को कहा जा सकता है और बहुत सारगर्भित रूप से कहा जा सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अभ्यास करें, बार बार पढ़ें और पिछले सालों के जो भी पेपर्स हैं उनको हम लगातार कंसल्ट करते रहें कि वो किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि जो करंट अफेयर्स हैं, जो करंट जो मान लीजिए घटनाएं चलती हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले ये था कि जो सोशल मीडियाज के प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग, इन पे सरकार कुछ रोक लगाना चाहती है, इनको कुछ कानूनों में बांधना चाहती है। अदरवाइज क्या है, ये इन पे कोई लगाम नहीं थी। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 19 है, 21 है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक आईटी एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए गए और करके इन पे कुछ पाबंदी लगाई गई, जो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुई और फिर अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया। तो इन सब चीजों को अगर मान लीजिए हम डे टू डे लाइफ के टच में रहें और फिर उस आर्टिकल को भी पढ़ें कि इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ था, और फिर अगर हम बात करें कि ये क्या डिसीजन था, इस डिसीजन का क्या इम्पैक्ट है, तो बातें बहुत आसानी से और बहुत सही तरीके से याद हो जाती हैं। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जब तक हम डे टू डे लाइफ में अपने साथ उतार के नहीं देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, और बहुत आसान है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब बच्चे तैयारी करते हैं तो वो चीजों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ते। अब जैसे मान लीजिए पहली बात तो ये कि जैसे मान लीजिए उन्होंने सबने ग्रेजुएशन कर ली, तब तक दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता, दुनियादारी से कोई समझ नहीं होती, जानने की कोशिश भी नहीं करते कि ये सब चीजें क्यों घट रही हैं, क्यों हो रहा है। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरी तरफ से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन दोनों को आपस में कहीं कनेक्ट नहीं करते। अगर वही अगर कनेक्ट कर लें कि जैसे मान लीजिए अब यूपी में जैसे मैंने कहा पंचायत इलेक्शन हुए, तो यूपी में पंचायत इलेक्शन हुए और साथ में हम पार्ट 9 को भी साथ में देख लें। इसी तरह से जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा होगा कल के पेपर में था कि सीपी जोशी साहब जो हमारे स्पीकर हैं विधानसभा के, उन्होंने नवनिर्वाचित 3 विधायकों को शपथ दिलाई। अभी कल के पेपर में एक न्यूज थी, उनकी फोटोज भी थी, उनको शपथ दिला रहे थे। अगर इन चीजों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देख लें
कि भी स्पीकर कौन होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, एमएलए है, कैसे शपथ होती है, तो ये सब चीजें तुरंत बहुत अच्छी तरह से याद हो जाती हैं और याद भी हो जाती है। और जब चूंकि और मैं अगर यूं कहूं कि अगर एक साल भर के अगर हम न्यूज़पेपर को देख लें तो लगभग पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिविजन हो जाता है एक तरह से। अभी जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव है, तो राष्ट्रपति चुनाव होते हैं तो किस तरह से होते हैं, अभी जैसे मान लीजिए आपको ध्यान होगा राजस्थान के हमारे मनीष भंडारी साहब जो हाईकोर्ट के जज थे उनको इलाहाबाद में ट्रांसफर किया, तब इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो चीफ जस्टिस बन गए वहां पे। अगर हम इस बात को, इस न्यूज को भी ध्यान में रखें और फिर देखें हाईकोर्ट के पार्ट को देख लें, सुप्रीम कोर्ट के पार्ट को देख लें कि वो कैसे जज बने, कौन नियुक्त करता है ना, कोलेजियम सिस्टम क्या है, प्रेसिडेंट की क्या पावर्स हैं, तो ये सब चीजें मतलब एक तरह से मैं यूं कहूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेली हमारी आंखों के सामने से गुजरता है। बात केवल इतनी से कि हम उसको समझ के साथ पढ़ना स्टार्ट करें, दिमाग में रजिस्टर्ड करें। यूं नहीं है कि जैसे मान लीजिए मनीष भंडारी साहब के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने, हमें क्या मतलब बन गए होंगे, हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें एक मौका मिल रहा है कि हमारे हाईकोर्ट का जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, हमारी प्रेसिडेंट की पावर्स को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमें रोजाना हमारे सामने से घटती हैं। तो ये मैं इस तरह से बताना चाह रहा हूँ कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखें और अगर उनका आंसर देंगे तो हमें न केवल ऑब्जेक्टिव टाइप है, ऑब्जेक्टिव टाइप में तो चार ऑप्शन जो दिए उनमें से कोई भी एबीसीडी जो भी बेस्ट लगे हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जो रिटर्न के जो बाकी जो डिटेल्ड आंसर आता है उसमें करंट के साथ अगर हम रिप्लाई देंगे तो निश्चित रूप से हमें बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सर हमारे दर्शक बहुत उत्सुक हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि आपने भाग तो उन्हें याद करा दिए, अब शेड्यूल को याद करने की ट्रिक जो आप बता रहे थे वो आपसे सुनना चाहते हैं। मैं दिलीप जी आपका टेस्ट लूंगा। तो जो 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है, आप मैं एक लाइन बोलता हूँ, टीयर्स ऑफ ऑल पीएम। दिलीप जी किसके टीयर आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ओल्ड पीएम मतलब पुराने प्राइम मिनिस्टर के टीयर्स आंसू। तो अब आप देख लीजिए 12 लेटर है, 12 लेटर्स हैं, टी ई ए आर एस टीयर्स ऑफ ओ एल डी ओल्ड पीएम पीएम, ये 12 लेटर्स है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 12 शेड्यूल हो गई, वैशाली जी चले 12 शेड्यूल भी होगी, और बताइए। सर आप बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो लाइव चैट जो मैं देख रही हूँ तो बहुत ही दर्शकों को अच्छा लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और सर हमारे युवा साथी कुछ यह भी आपसे सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि कौन सी मैगजीन्स और कौन सा न्यूज़पेपर, क्योंकि उनका ये कहना है कि बहुत सारे न्यूज़पेपर उनके सामने है, मैगजीन्स भी कई तरह की आती है, तो आप सर क्या सजेस्ट करेंगे हमारे युवा दर्शकों को? देखिए मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें हमारा टारगेट फिक्स करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए अगर कोई आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए रीडिंग एक अलग तरह से होती है, वही अगर मान लीजिए कोई तैयारी जो आरपीएससी के एग्जाम है खासतौर से, जैसे मान लीजिए आरएस का आज रिजल्ट आया, आरएस के एग्जाम है और सब इंस्पेक्टर के एग्जाम है, तो इनकी तैयारी करें तो उसके लिए अलग तरह की मैगजीन और पेपर्स रहते हैं और उनमें किस तरह से टॉपिक्स या न्यूज को उठा के पढ़ना चाहिए, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन मैं एक बात ये बताना चाहूंगा कि जो मान लीजिए हमारा वर्चुअल वर्ल्ड है जिसमें यूट्यूब चैनल्स हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, इतना जबरदस्त सब जगह नॉलेज है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं इस बात को इस तरह से कहना चाहूँगा कि कहीं कोचिंग को अटेंड करने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना ज़्यादा मटेरियल है। आज की तारीख में स्टूडेंट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि क्या नहीं पढ़े, क्या पढ़े वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना पढ़े वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इतना ज्यादा मटेरियल है कि उसका एनर्जी और टाइम सारा उसमें चला जाता है, और अगर मान लीजिए कोई गलत चीज पढ़ने लग जाता है तो सारा टाइम उसी में खराब हो जाता है। तो पिछले सालों के पेपर को देख के और देखने के बाद एक आई सेट करे, आंख सेट करे, उसको क्या देखना है, फिर वो कोई भी मैगजीन है, कोई भी न्यूज पेपर है, या मान लीजिए वो कोई यूट्यूब चैनल देखता है, उसमें वही चीज ढूंढे और अपना नोट करे, अपने नोट्स खुद बनाए, मतलब अपने खुद के नोट्स बनाएं और तैयारी करें, और तैयारी करें पिछले सालों के पेपर को देखते हुए, तब जाके तैयारी होगी। तो उसमें मैं स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकता कि साहब ये न्यूज़पेपर या ये मैगजीन से उसका काम चल जाएगा। सबसे पहले जरूरी है कि आंख को सेट करना, फिर वो उसको वही चीज दिखेगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
सर बिल्कुल आपने सही कहा, और यह हमारे युवा साथियों को निश्चित भी करना होगा कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई तरह की सामग्री उपलब्ध है, मटेरियल की कमी नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, अभी स्टूडेंट्स जो है, जो युवा साथी हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत अवेयर हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि उन्हें सिलेक्शन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर हमारे साथ आज ज्ञानसुधा के इस मंच पे डिफरेंट बैकग्राउंड के व्यूअर्स अभी जुड़े हुए हैं, कुछ साइंस के, कॉमर्स के, इंजीनियरिंग के, मेडिकल के। तो सर वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने कभी संविधान को पढ़ा नहीं है, तो कैसे वो अपनी डे टू डे लाइफ में, क्योंकि राजनीतिक घटनाएं घटती है, राजनीतिक परिदृश्य भी तेजी से बदलते हैं, तो कैसे वो इसको सर रिलेट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं? जैसे मैंने कहा कि घर मान ले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सोचे ही नहीं, अपने घर को देखें और फिर एक तरह से इमेजिन करें कि घर कैसे चलता है, दादाजी घर को कैसे चलाते हैं, माँ घर को कैसा चलाती है, और फिर सब चीजों को देखे और फिर कोई घटना घटती है, मान लीजिए फिर जाके देखे। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा ना कि स्पीकर ने तीन नए जो एमएलए थे उनको शपथ दिलाई, वो दिलाई, तो ये इमेजिन करे कि मान लीजिए नई बहू आती है तो घर के बाहर माँ आरती कैसे करती है उनको, तो वो एक तरह से ओथ हो गई उनकी। तो इस तरह से अगर कुछ चीजों को रिलेट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो चीजें जिंदगी में कभी आप भूल नहीं सकता। और फिर अगर आप पिछले सालों के पेपर देखते हैं तो सब चीजें आ जाती है। जैसे मैं एक, मुझे नहीं मालूम कि इस प्रोग्राम को कितने लोग देखेंगे, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, देखिए सुन के बड़ा अजीब लगेगा लेकिन मैं बोलता हूँ, हालांकि मुझे टॉपिक चूंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी बोलना मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये मानना है और मेरा, मैं खुद अपने आप में एक्सपीरियंस हूँ, मतलब मैंने इस बात को एक्सपीरियंस किया और मैं एग्जाम्पल हूँ इस बात का कि बिना पढ़े लिखे और बिना मेहनत किए हुए हम आईएएस बन सकते हैं, आरएस बन सकते हैं। मैं एग्जाम्पल हूँ, पढ़ने की जरूरत नहीं होती, मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन टारगेट इतना जबरदस्त तरीके से फिक्स करें। क्योंकि मैं ये बात को इस तरह से समझाना चाहूंगा कि मेरा मतलब ये नहीं कि पढ़े नहीं और मेहनत नहीं करें, अगर हम टारगेट में इतना खो जाते हैं तो हमें हर चीज पढ़ाई लगेगी, हमें पढ़ाई को लगेगा नहीं कि हम, नहीं तो लोग कहते हैं पढ़ते पढ़ते बोर हो गए। वही अगर आप मान लीजिए आप कोई फिल्म देखनी होती है, कोई व्यक्ति फिल्म देखता है तो फिल्म में तो कभी वो बोर नहीं होता, 3 घंटे 4 घंटे फिल्म आराम से देख लेते हैं, कहाँ बोर होता है। वो 3 घंटे अगर मान लीजिए किताब पढ़ने बिठा देंगे तो तुरंत उसको नींद भी आने लग जाएगी, तो दोनों में अंतर हो गया ना। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई पढ़ाई को उस इंटरेस्ट के साथ पढ़ना स्टार्ट कर दे तो उसको लगेगा कि नहीं मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और ना उसको मेहनत जैसा लगेगा। हम खाना खाते हैं, हमारे मान लीजिए मनपसंद का खाना है तो हमें पता नहीं चलेगा हम खाते जाएंगे, और वही अगर मान लीजिए पसंद का नहीं है तो हमें लगेगा हम कहाँ बैठ गए। तो इसलिए जरूरी है कि हम खो जाएं। तो जैसे दी सीक्रेट एक जो बुक है उसमें है कि हम सोचे बहुत ही मनोयोग से, तो फिर सारी ब्रह्मांड सारी दुनिया उस टारगेट को हासिल कराने मदद करती है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम टारगेट को फिक्स करें और ये एक तरह से अंदर बिठा लें कि हम मुझे ये हासिल करना ही है, तब जाके अचीवमेंट होता है, अदरवाइज नहीं होता। मैं जैसे एक छोटी सी न्यूज भी शेयर करना चाहूंगा आपके साथ, जैसे आज जो आरएस का जो रिजल्ट आया है इसमें मैं चूंकि रिटायरमेंट से पहले भी प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री क्लास जैसे आप लोग जानते भी हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जुड़ा रहा था, तो मुझे इस बात को कहते हुए खुशी भी है और एक प्राउड भी फील हो रहा है कि फर्स्ट 100 में 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको हमने तैयारी करवाई है, और जो 200 फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स हैं उनमें 20 के आसपास हैं और बाकी कुछ नीचे मेरिट के भी स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम मतलब स्टूडेंट्स को गाइड कर पा रहे हैं या क्या पा रहे हैं। सेकंड जो अचीवर है, सेकंड जो पोजीशन होल्डर है मनमोहन शर्मा, वो उसको मुझे गाइड करने का मौका मिला है। ऐसे और स्टूडेंट्स की भी बात मैं कर सकता हूँ। तो मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि आसान है बस, और मुश्किल है तो टारगेट फिक्स करना मुश्किल है, और टारगेट भी ऐसा फिर कुछ नहीं समझ में आए। जैसे अब्दुल कलाम साहब ने कहा ना कि सपना देखो लेकिन फिर वो सोने ना दे, ऐसा सपना होना चाहिए। तो अगर वो उस स्टेज पे हम पहुंच जाते हैं तो फिर सक्सेस जो है ना छोटी हो जाती है। सर आपकी बात से सहमति रखते हुए मैं अपने युवा साथियों को बस यही कहना चाहती हूँ कि लक्ष्य साध कर चले, उन्हें मंजिलें जरूर मिलेगी, और अपनी सोच को मजबूत रखें। सर हमारे ज्ञानसुधा कार्यक्रम में एक ट्रेंड यह रहता है कि हम दर्शकों से जो सवाल हमें मिलते हैं उनमें से 5 सवाल
रेंडमली अपने जो मार्गदर्शक है उनके लिए हम उछाते हैं। तो अभी जो सवाल आ रहे हैं सर, अब वक्त है हमारे आज के 5 सवाल का। हमारे साथ सौरभ जी जुड़े हुए हैं, ये जानना चाहते हैं कि भारत के संविधान में समय समय पर जो संशोधन होते हैं उनके बारे में वेल इन्फॉर्म्ड कैसे रहा जा सकता है। सर आप प्लीज बताएं। देखिए, मैंने एक तो ये बोला ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट हो चुके तक बनने के बाद से, तो इसके लिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जैसे मैंने बताया कि जो ये बेयर एक्ट है ये अपडेटेड मार्केट में अवेलेबल होते रहते हैं। उसके अलावा न्यूज टू, जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट होता है तो बहुत बड़ी न्यूज बनती है, बड़ी न्यूज होती है। तो उस अगर हम न्यूज़पेपर को ध्यान से पढ़ें तो हमें पता लग जाएगा कि भाई साहब ये अमेंडमेंट हुआ है। फिर अमेंडमेंट की एक अपना प्रोसीजर भी है, तो उन चीज़ों से अगर हम मान लीजिए हम वाकिफ रहेंगे और थोड़ा जागरूक रहेंगे तो हमें बिल्कुल निश्चित रूप से पता लगता रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया है या होते किस तरह से होते हैं। सर अभी हमारे साथ विभा जी जुड़ी हुई है और ये जानना चाहती है कि पिछले सालों के प्रश्न पत्र हल करने से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में किस हद तक सफलता मिलती है और आमतौर पे पिछले कितने सालों के प्रश्न पत्र हल करने चाहिए। देखिए, मैंने जैसे कहा ना कि कम से कम पिछले 5 साल के पेपर हमें देखने चाहिए, उससे सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हमारी जो आई आंख जो है ना देखने का जो नजरिया है वो चेंज हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार हम पढ़ते हैं तो हम चीजों को एक तरह से इग्नोर कर सकते हैं, हमारे सामने से वो चीज गुजर जाती है लेकिन हमें पता नहीं लगता कि ये कभी इम्पोर्टेंट हो सकती है क्या। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हम पिछले सालों के कम से कम 5 सालों के पेपर्स को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि किस टॉपिक में से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर अगर हम पढ़ाई करेंगे और उस टॉपिक को पढ़ेंगे या उस लेसन को पढ़ेंगे तो हम ज्यादा बेटर तरीके से समझ भी सकते हैं और रजिस्टर्ड भी वो दिमाग में ज्यादा अच्छी तरह से हो पाएगा। तो कम से कम 5 सालों के पेपर देखने चाहिए। सर अगला सवाल है प्रांजल जी की तरफ से, ये कह रहे हैं कि ये बीएससी कर रहे हैं और भारतीय संविधान का अध्ययन इनको प्रारंभ से ही करना है, ये आपसे पूछ रहे हैं सर कि क्या किसी अच्छी गाइड की मदद से ये शॉर्ट में संविधान को समझ सकते हैं या इन्हें लंबी चौड़ी पुस्तकें ही पढ़नी होंगी। सर आजकल हम देख भी रहे हैं कि गाइड्स पर जो है युवा साथियों की निर्भरता बढ़ती भी जा रही है। सर देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता नहीं, हो भी नहीं सकता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन समझ अगर एक बार पैदा हो जाती है, जैसे मैंने कहा कि हम किसी चीज को याद करने के लिए कोई तरीका ढूंढ लें, जैसे मान लीजिए साइंस के स्टूडेंट भी हैं तो इनको अच्छी तरह याद भी होगा और याद किया भी होगा इन्होंने कि जैसे मान लीजिए इंद्रधनुष के 7 रंगों को याद करना है तो बीप प्योर याद करते हैं ना। तो इसी तरह से हम खुद अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं या बनी हुई ट्रिक्स को याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने 22 पार्ट्स को याद कराने के लिए घर का एक एग्जाम्पल दिया, तो ये एक तरीका हो सकता है, या 12 शेड्यूल को याद कराने के लिए मैंने टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम बोला। तो ऐसी हो सकती हैं, अपनी खुद की भी बनाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि यही है इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जरूरी यही है कि गाइड्स वगैरह में ये बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, वो सब चीजें समाहित नहीं कर सकती। तो बेस्ट तो है कि हमें बेसिक बुक्स जो है, जैसे मैंने कहा बियर एक्ट जो है वो एक बेसिक बुक है, वो हमें रखनी चाहिए। और बाकी फिर करंट अफेयर्स में तो डेली घटनाएं घटती हैं वो हम रखें, बाकी कुछ बुक्स जो हैं बेसिक बुक्स हो सकती हैं जो हमें विषयों को बहुत आसान बता सकती हैं। आपके जो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चरर्स हैं, मुझे ध्यान है कि कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत ही एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि काबिल टीचर्स हैं, क्योंकि मेरा भी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है तो मुझे बहुत सारे टीचर से बात करने का मौका मिला है। तो उनसे गाइडेंस ली जा सकती है, यूट्यूब की मदद ली जा सकती है, उन पर पर्टिकुलर टॉपिक को बार बार सुना जा सकता है तो समझ बेटर हो सकती है, मेरा ऐसा मानना। सर आदित्य जी जानना चाहते हैं कि क्या पॉलिटिकल साइंस स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्या इसे एक विषय के रूप में चयन करना ठीक रहेगा। देखिए, भी वर्तमान में आरएस में तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई है नहीं, आरपीएससी की बात, केवल यूपीएससी में 2 सब्जेक्ट की बजाय आजकल 1 पेपर ही रहता है, तो उसमें पॉलिटिकल साइंस को चूज किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। और स्कोरिंग भी हो सकता है, बस बात वही है कि समझ कैसी है और आपने कैसी तैयारी की है उस पर डिपेंड करता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि साहब आप ये सब्जेक्ट लोगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, ये नहीं लोगे तो मार्क्स कम आएंगे, ऐसा मेरा मानना ऐसा नहीं है। आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए और आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए,
तो हो सकता है इंडियन पॉलिटिकल तो ऐसा किया कि लाइव सब्जेक्ट है ना, तो निश्चित रूप से रोजाना इंटरेस्ट बना रहता है कि रोजाना कुछ ना कुछ नया घटता रहता है। तो और किसी विषय को या किसी टॉपिक को हम अलग अलग तरह से इंटरप्रिटेट भी कर सकते हैं, तो इंटरेस्टिंग रहता है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं, मैं भी अपने युवा साथियों को यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी विषय कठिन नहीं होता, बस उसके प्रति हमारे मन में लगन होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए। सर, आज का हमारा आखिरी सवाल जो दर्शकों की तरफ से है, श्रुति जी जुड़ी हुई है और वो पूछ रही है कि आरएस की तैयारी के लिए वे जानना चाहती है कि भारतीय संविधान पर नोट्स कैसे बनाए। नोट्स तो देखिए डिपेंड करता है कि आपने कैसे पढ़ना स्टार्ट किया है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप कोई भी एक बेसिक बुक आपने मान ली ले ली है। अब जैसे मैं अगर यूं कहूं कि अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नोट्स बनाना स्टार्ट करें तो आप आर्टिकल वाइज भी चल सकती हैं। जैसे मान लीजिए फंडामेंटल राइट्स हैं, तो फंडामेंटल राइट पे आर्टिकल मान लो 12 ले लिया, तो 12 में स्टेट की डेफिनेशन है, तो स्टेट की डेफिनेशन में सबसे पहले आप ये ले सकती हैं कि साहब इसमें जो आर्टिकल की लैंग्वेज क्या बोलती है, तो उसके बाद फिर आप ले सकते हैं कि इसमें कोई मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी कुछ कहा है तो क्या कहा है। तो इस तरह से आप एक एक आर्टिकल के हिसाब से नोट्स बना सकते हैं और अपनी एक ऐसी बुक को रखें या ऐसी मान लीजिए आप नोटबुक रख सकती हैं तो उसमें एक ही जगह सब बातें लिखें। एक दिन में सारे नोट्स नहीं बन सकते। आज मान लीजिए आपने मान लीजिए राइट ऑफ इक्विटी पे मान लीजिए आज कुछ बात लिखी और दो दिन या चार दिन बाद कोई नया डेवलपमेंट होता है या नया कोई फैक्ट आपको मालूम चलता है तो आप वहां पे उसको लिख सकते हैं और नोट्स ऐसे आपके कंपाइल होते चले जाएंगे। सर, बेहद ही लाभकारी जानकारी आज आपने दर्शकों के साथ साझा की है, आपने अपना समय दिया, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। मैं ज्ञानसुधा के इस मंच से कॉलेज शिक्षा विभाग की ओर से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपने युवा साथियों को मैं कहना चाहती हूँ कि हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। जब दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दिए को भी आंधियों का डर नहीं होता। कॉलेज शिक्षा विभाग प्रयासरत है निरंतर हमारे जो दर्शक हैं उनमें प्रतियोगी क्षमताओं के विकास के लिए। हमारे दर्शकों से मैं कहना चाहूंगी ज्ञानसुधा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे कि वे सभी ऑनलाइन जो सेशंस उनके लिए आयोजित किए जाते हैं उससे लाभान्वित हो सके। मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करती हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू दिलीप जी।